अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल में देखा वो हकीकत है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपने क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑटोमेटिक सबटाइटल एंड कैप्शंस। तो जैसे सर्च करेंगे ये आपको टॉप में मिल जाएगी। आपने क्या करना है, इसको करना है डाउनलोड। डाउनलोडिंग जैसे करेंगे उसके बाद क्या आएगा, ओपन आएगा। इसको करेंगे अभी ओपन। जैसे ये हमारी ओपन हो गई तो यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अभी सिंपल इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे ये वीडियोस वगैरह आ रही हैं सारी। तो मैं कोई भी यहाँ से वीडियो आपको एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि सबटाइटल कैसे लगते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक जो वीडियो है चूज़ करता हूँ, जैसे कि ये होगी टिकटॉक वाली। अभी क्या करना है, जाना है थ्री डॉट्स में। थ्री डॉट्स में जैसे आए तो यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक सबटाइटल। तो अभी मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिक सबटाइटल्स इसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें टिक मार्क वाला, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। अभी देखें यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जैसे कि इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद क्या आ रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ पे देखें आपको सारे मतलब कंट्रीज़ की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। देखें ये इंडिया की इंग्लिश है, तो नीचे थोड़ा करेंगे, ये देखें उर्दू पाकिस्तान की है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए कि हम अपने जो है लेटर कैसे लिखेंगे, जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं उर्दू में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हिंदी इंडिया। तो हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जनरेट सबटाइटल्स। इसको हमने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना, ऐड किया तो यहाँ पे देखें ये हिंदी वाली उर्दू आ रही है। मगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, रोमनाइज तो इस तरह का पाथ। तो हमने क्या करना है, इसको करना है सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस फास्टर। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड को तो यह हमारी फास्ट हो जाएगी। देखें हमारी उस तरह आ गई। अभी से यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं। अभी फॉन्ट कलर भी आ रहा है, यहाँ पे आपने जो कलर रखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि ग्रीन हो गया, देखें ये येलो आ रहा है, यहाँ पे रेड है, ब्लू है, यहाँ पे सारे कलर आपको मिल जाएंगे तकरीबन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका कलर जो है ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन के बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको फॉन्ट यूज़ आपने कौन सा रखना है, ब्लॉक ही रखना है, बोल्ड रखना है, कार्टून रखना है। मैं इसको कार्टून करता हूँ, कार्टून वाला आप देखेंगे तो सही लग रहा है बाकियों से। ये देखें कार्टून वाला हमारा सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज आ रहा है। यहाँ पर आपको साइज़ इसकी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है चेंज करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये अभी साइज़ मेरे ख्याल से सही आ रही। उसके बाद क्या आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। आपने ये सारी जो सेटिंग है इनको छोड़ना है, सिर्फ फॉन्ट साइज़ में आपने थोड़ा सा सेटिंग इसकी करनी है आपने, सिर्फ बाकी छोड़ के। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आप फॉन्ट स्ट्रोक दें या ना दें, और ये शेडो दें ना दें आपकी मर्ज़ी, मैं नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, टेक्स्ट पैरामीटर्स, इसकी मैं सेटिंग करूँगा क्योंकि ये मुझे टेक्स्ट कहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम वर्ड्स पर सबटाइटल। दूसरा कौन सा आ रहा है, प्रेफर्ड लाइंस पर सबटाइटल, ठीक है। अभी लाइंस हमें कितनी चाहिए, हमें एक ही लाइन चाहिए। इसको मैं करता हूँ एक लाइन में, देखें ये एक लाइन में आ गया। हमने कर दिया प्रेफर्ड लाइन पर सबटाइटल, एक लाइन में हमने कर दिया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे 10 रखा हुआ है। ये मतलब सारी सेटिंग यहाँ पर सही है। और दूसरी बात, ये पोजिशन है, आपने जो है एक्स एक्स वाला काम रखना है। ये देखें मैं इसको करूँगा आगे पीछे, ये साइड में होगा, ठीक है, ये 50 पे सही है। अभी यहाँ पे आ रहा है पोजीशन वाई, मतलब अपना ऊपर रखना है या नीचे रखना है सबटाइटल अपना। तो मैं इसको देखना यहाँ पे जैसे बढ़ाऊँगा इसको तो ये नीचे जाएगा। ये देखें मैं इसको 70 पे रख देता हूँ, ठीक है, 70 भी सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, ये प्रीव्यू कॉलम्स आ रहा है, तो ये भी हमारे सही हैं। ये देखें आपको बता रहे हैं कि आपके कॉलम्स ऐसे नज़र आएंगे, तो पहले वाले ऐसे नज़र आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे वो अल्फाज बोलते जाएंगे तो वो कॉलम्स अपने आप से एडी होते जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एड सबटाइटल्स, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारी वीडियो तैयार हो गई। अभी मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। भाई जान, क्या आप घर के जिम्मेदार बच्चे हैं? इतने जिम्मेदार? बहुत जिम्मेदार, इतना जिम्मेदार हूँ कि घर में कोई भी मसला होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ। देखिए आपने देख लिया कि हमारे सबटाइटल बिल्कुल ओके हो गए। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमने करना है इसको सेव। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्टिंग हमारी सेविंग मतलब हो रही है। अभी ये जैसे 100 हो जाएगी तो फिर ये हमारी गैलरी में हो जाएगी। आप उसके बाद गैलरी में भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर फिनिश करेंगे तो हमारा गैलरी में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको फिनिश करता हूँ,
ये हमारा गैलरी में अभी आ गया, मैं वहाँ पे जाके आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखे गैलरी में मैं आ गया, अभी यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। भाईजान जी, क्या आप घर के जिम्मेदार बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल। कितने जिम्मेदार हैं? बहुत जिम्मेदार। इतना इतना जिम्मेदार हूँ कि घर में कोई भी मसला होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ। देखिए ये हमारी वीडियो कम्प्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट में लाजमी बताना कि आपको वीडियो पसंद आई या ना आई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर मुझसे पूछना ताकि मैं आपको बता सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।